अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की नंबरिंग सिस्टम को स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम लॉजिक गेट को स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी लॉजिक, टू वोल्टेज लेवल कैन बी रिप्रेजेंट एज द टू डिजिट 0 and 1। अ वैलिड डिजिटल सिग्नल शुड बी विद इन आइदर ऑफ टू शेड एरिया। जो भी बाइनरी लेवल है वो या तो 0 या 1 है। और जो 0 की वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके 0.9 तक, ये 0 कंसीडर किया जाता है। और जो 1 की वैल्यू होती है ये 3 से लेकर 5 तक, इस एरिया में जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 कंसीडर किया जाएगा 3 से लेकर 5 तक। जबकि 0 जोन सी है वो 0 से लेकर 0.9 तक 0 कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास एंड गेट की। द लॉजिक एंड गेट हैज़ 2 or more input and 1 output। लॉजिक एंड गेट की एक आउटपुट होती है, 2 या 2 से ज़्यादा उसकी इनपुट होती है। जैसे कि आप इसके सिंबल में देख सकते हैं, ये लॉजिक एंड गेट का सिंबल है। इसकी 2 इनपुट है, ए और बी, और इसकी एक्स आउटपुट है। ये इसका बोलियन एक्सप्रेशन है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये 0 0 पे इसका 0 आएगा, 0 1 पे 0 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा। और जब इसके दोनों इनपुट 1 हो जाएंगी तो हमें आउटपुट पे 1 देगा। लॉजिक 1 विल बी अपीयर ऑन इस आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ड्रिवन हाई। जब दोनों इनपुट इसकी 1 हो जाएंगी तो हमें आउटपुट पे ये 1 शो करेगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास और गेट की। और गेट का भी सिंबल आप देख सकते हैं, ये इसका सिंबल है और गेट का। इसकी भी 1 या 2 नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास और गेट की है। और गेट आल्सो हैज़ 2 or more input and 1 output। और गेट भी एंड गेट की तरह इसकी 2 या 2 से ज़्यादा इसकी इनपुट हो सकती है और इसकी 1 आउटपुट होती है। अ लॉजिक 1 विल अपीयर ऑन इट्स आउटपुट इफ आइदर ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। ये देखिए, ये इसका सिंबल है ए एंड बी, ये इसका बोलियन एक्सप्रेशन है, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसका टेबल है, जब इसकी कोई भी इनपुट 1 हो जाएगी हमारे आउटपुट पे ये 1 शो करेगा। जब इस दोनों इनपुट इसकी 0 है तो आउटपुट पे 0 शो करेगा, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 and 1 1 पे 1। ये एंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड गेट में हमारे पास 0 0 0 और 1 देता था। नेक्स्ट गेट है हमारे पास नॉट। नॉट एक इन्वर्टर गेट है, ये हमारी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। द लॉजिक गेट नॉट हैज ओनली 1 input and 1 output। इसकी 1 इनपुट है और 1 आउटपुट है। व्हेन लॉजिक 0 अपीयर ऑन इट्स इनपुट, जब इसकी इनपुट हम 0 देंगे, अ लॉजिक 1 अपीयर ऑन इट्स आउटपुट एंड वाइस वर्सा। ये देखिए, ये इसका बोलियन एक्सप्रेशन है, ये इसका टेबल है। अगर 0 देंगे तो हमें आउटपुट पर 1 देगा, अगर 1 देंगे तो आउटपुट पर हमें ये 0 शो करेगा। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, इट रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। लॉजिक 1
appear on its output when its input at different logic. ये हमें वन उसी सूरत में शो करेगा जब इसके इनपुट पे ज़ीरो और वन का कम्बिनेशन होगा. अगर दोनों इनपुट इसकी ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो है, अगर दोनों इनपुट इसकी वन है तो आउटपुट इसकी ज़ीरो है. ये देखिए ये इसका सिंबल है, ये इसका बोलियन एक्सप्रेशन है. जैसे इसकी दोनों इनपुट ज़ीरो वन होगी आउटपुट पे वन, वन ज़ीरो होगी तो आउटपुट पे वन, अदरवाइज इसके दोनों आउटपुट ज़ीरो है. ये नॉर गेट है. नॉर गेट पे सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसके और गेट के ऊपर एक हम इन्वर्टर लगा देते हैं जिसकी वजह से इसकी हम नॉर गेट बोलते हैं. ये देखिए और नॉर को कन्वर्ट करके नॉर गेट बनता है. ये देखिए इसकी दो इनपुट है, वन आउटपुट है. ये इसके आगे ये देखिए ये हमने उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दिया जिसकी वजह से उसकी आउटपुट उसको इसने इन्वर्ट कर दिया. ज़ीरो ज़ीरो पे वन कर दिया, ज़ीरो वन पे ज़ीरो कर दिया, वन ज़ीरो पे ज़ीरो कर दिया, वन वन पे वन कर दिया. इसी तरह नैंड गेट है. नैंड गेट के की भी जब इनपुट पे हम नैंड गेट के साथ जब हम नॉट गेट को ऐड करते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है. ये देखिए दो इसकी इनपुट वन आउटपुट, और ये हमने इसके आगे एक ये एक इन्वर्टर लगाया. इन्वर्टर लगाएंगे तो ज़ीरो वन पे ज़ीरो ज़ीरो पे इसकी आउटपुट हमारे पास वन मिलेगी, ज़ीरो वन पे भी वन मिलेगी, वन ज़ीरो पे भी वन मिलेगी और वन वन पे ज़ीरो मिलेगी. अदरवाइज अगर नैंड के अगर ये इन्वर्टर नहीं लगाओ तो हमें आउटपुट पे ये ज़ीरो 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 और वन देता है. यानी कि इसकी दोनों इनपुट वन होंगी तो हमें आउटपुट पे वन मिलेगा. जी फ्रेंड, हमारी ये स्लाइड ख़त्म हो गई है. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.